नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी, वो भी एगलेस और बिना माइक्रोवेव के। तो आइए शुरू करते हैं। चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनाने के लिए दो तरीके के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स, दूसरा वेट इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, पिसी हुई चीनी 1 कप, कोकोआ पाउडर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, थोड़े से कटे हुए अखरोट। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने लिया है डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, 100 ग्राम मक्खन, 1/4 कप दूध और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले हमें डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर एक बर्तन रख दिया है। इसमें चॉकलेट डाल दिया और इसको अब हम चलाते हुए धीरे धीरे इसको मेल्ट करेंगे, और जब चॉकलेट मेल्ट होना शुरू कर देगा तो इसके बाद हमें इसमें मिला देना है मक्खन। तो अब हम बटर को चॉकलेट के साथ मिक्स करेंगे और इसे मेल्ट करेंगे, और जब इसका एक स्मूथ सिरप तैयार हो जाए तो हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक चॉकलेट और बटर का सिरप ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया और उसमें स्ट्रेनर रख दिया है और उसमें मैंने मैदा डाल दिया है। इसके बाद हमें इसमें मिलाना है कोकोआ पाउडर, और अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और अब इन सारी चीजों को हमें सीव करना है। अगर कोई लंप हो तो उसको हमें इस तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना है और लंप्स को तोड़ देना है। सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम एक बार मिला लेते हैं और एक साइड में रख देते हैं। अब हमें केक टिन को तैयार करना है, तो यहाँ केक टिन को हम मक्खन से या फिर कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें एक बटर पेपर लगा देते हैं, और बटर पेपर को इस तरीके से लगाने के बाद हम केक टिन को साइड में रख देंगे। हमारा वेट इंग्रेडिएंट जो हमने तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे है, और अब हम इसमें धीरे धीरे करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो हमें ये सामग्री एक साथ नहीं डाल देनी है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। और अब हम बाकी की बची हुई सामग्रियों को इसमें मिक्स कर देते हैं, और साथ ही अब हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा दूध, और अब सारी सामग्रियां डालकर हम इसको तेजी से मिलाएंगे ताकि इसके जो लम्स हैं वो टूट जाएं और एक स्मूथ बैटर तैयार हो सके। हमें जो बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है वो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। और अब हम इसे थोड़ी देर कट एंड फोल्ड करके मिक्स करेंगे, और अब हमारा ये मिक्सचर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए वॉलनट, थोड़े से वॉलनट पीसेस मैंने अभी बचा लिए हैं, और एक बार हम इसको फिर से मिक्स करते हैं, और इसके बाद फिर हमें इसमें मिला देना है वनीला एसेंस। तो अब हम यहाँ पर वनीला एसेंस मिलाकर इसको एक मिक्स देंगे, और अब ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हमें मिक्सचर को केक टिन में ट्रांसफर कर देना है, तो हम केक टिन में मिक्सचर को ट्रांसफर कर लेते हैं और मिक्सचर को केक टिन में अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेते हैं और इसका एक इवन लेयर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जो कटे हुए वॉलनट के टुकड़े अभी हमने रखे थे उसको हम ऊपर से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। अब हमें केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि इसमें अगर कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। तो इस प्रोसीजर के बीच में ही हमने कढ़ाई में थोड़े से ये नमक डालकर 10 मिनट के लिए तेज आंच पर हमने गर्म कर लिया है। तो कढ़ाई हमारी बेक करने के लिए तैयार है। अब इसमें हम एक छोटा सा प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर केक टिन को रख देंगे। हमें ये ध्यान देना होगा कि केक टिन कढ़ाई के डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट में ना रहे। और अब हम यहाँ पर एक ढक्कन लगा देते हैं और इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम हाई रखना है और 35 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्राउनी बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो गया है। और इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक टूथपिक लेंगे और इसको केक में इस तरीके से पिन करेंगे। और ये देखिए कि जो हमारा टूथपिक है वो एकदम क्लीन बाहर आ रहा है। इसका मतलब है कि ब्राउनी अच्छी तरीके से हमारी पक चुकी है और बेक हो चुकी है। अब हम ब्राउनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे और इस पे हम एक कपड़ा डाल देंगे ताकि जो ब्राउनी के अंदर का मॉइस्ट है वो बना रहे। और जब ब्राउनी ठंडी हो जाए तो इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से किनारों से चाकू से काट लेंगे और हम ब्राउनी को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसी फ्लैट बोर्ड या प्लेट पर हम ब्राउनी को डीमोल्ड कर लेंगे। ब्राउनी डीमोल्ड करने के बाद जब हम केक टिन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक टिन है वो एकदम क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि जो हमारी ब्राउनी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो गई है। अब हम ब्राउनी को छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो आप मन चाहे आकार में ब्राउनी को काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चौकोर पीसेस में ब्राउनी को काट लिया है। अब आप ब्राउनी का टेक्सचर देखिए। इसका जो टेक्सचर है वो एकदम फजी मॉइस्ट हुई है। और ब्राउनी की खास बात यही होती है कि ये केक की तरह स्पॉन्ज नहीं होता है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। तो देखा दोस्तों, आज हमने कढ़ाई में चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनाई है। लेकिन अगर ब्राउनी आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर आपको 35 मिनट के लिए ब्राउनी को बेक करना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने ये कितनी इजी रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से पहुंच जाएं। ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस। धन्यवाद।